नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ज्यादातर लोग आजकल काफी परेशान रहते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में इनफैक्ट हमारा टॉपिक है कि अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है या ऑलरेडी अगर आपको नींद नहीं आ रही है और उसके लिए आप पहले से ही कोई तरह की मतलब मेडिसिन ले रहे हो और उस मेडिसिन पे अगर आपकी डिपेंडेंसी हो गई, मतलब ऐसा हो गया है कि साहब आपको नींद लेने के लिए अगर टेबलेट लेनी पड़ती है और तभी आपको अगर नींद आ रही है या रूटीन में भी मान लीजिए किसी भी कारण से अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो उसके बारे में हम लोग जो है क्या बेस्ट पॉसिबल वे होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कई कारणों से जो है स्लीप क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं है, नींद अच्छी नहीं होती है। उसके कारण की अगर हम बात करें तो नेचुरली सबसे बड़ा कारण रहता है साहब कोई तरह की मानसिक चिंता, आपको कोई तरह की मेंटल वरी है, एंजाइटी है, कोई तरह का स्ट्रेस है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है जिसमें कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण जो है आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, कुछ अननेसेसरी थॉट्स यानी कुछ ऐसे विचार जो हर समय आपके दिमाग में बने रहते हैं, जो आप बिस्तर में चले जाते हो तो भी वो विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते और जिसके कारण आपको नींद नहीं आ पाती। कई बार हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी घटना हो गई है, कोई हादसा हो गया है, कोई बड़ा बिजनेस लॉस हो गया है, फैमिली के अंदर कोई जो है ऐसी कोई इवेंट या मतलब ऐसी कोई बात हो गई जिसके कारण की एकदम सदमा सा लग गया है, लेकिन नहीं तो ये सारी चीजें होती है जो मेंटल आपको मतलब ग्रीफ या शोक में ले जाती है जिसके कारण आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार कुछ लोगों के अंदर जो है काफी कॉमन देखने को मिलता है आजकल डिप्रेशन, यानी अगर आपको मानसिक अवसाद है, डिप्रेशन है, तो उसके कारण भी आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। कई बार आपकी जो स्लीप की साइकिल है वो चेंज हो जाती है, तो उसके कारण भी आपके जो नींद का पैटर्न है वो चेंज होने लगता है। दोस्तों एक और कारण जो मैंने देखा है जिसके कारण लोगों को नींद नहीं आ रही, पर्टिकुलरली जो आजकल का यूथ एज है उसके अंदर मैंने देखा है, बहुत से लोग जो है जिनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि सर बेड में चले गए, बिस्तर में सो गए, बेडरूम में आपने टीवी लगा रखा है और आप बिस्तर में सो भी रहे हो और आप टीवी भी देख रहे हो, तो आपको नींद कैसे आएगी आप सोचे, क्योंकि आप मेंटली एक्टिव है, आपका ब्रेन जो है वो तो बिजी है उस प्रोग्राम में टीवी के अंदर। इसी तरह से काफी लोग जो होते हैं उनको आदत पड़ जाती है कि जब आप बेडरूम में जा रहे हो और साथ में आप जो है मोबाइल के अंदर आपका जो है आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हो, कई लोग व्हाट्सएप पे बिजी हो जाते हैं, कई लोग फेसबुक पे हो जाते हैं, कई इंस्टा, मतलब कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे आप जो है मोबाइल लेके और उसमें बिजी हो गए, तो आप सोच सकते हो आपको नींद कैसे आएगी। तो मेरी एडवाइस ऐसे लोगों की ये रहेगी कि अगर आप जो है ऐसी हैबिट है तो आपके बेडरूम में टीवी नहीं हो, या अगर आप जो है बिस्तर में जा रहे हैं तो उसे एक घंटे पहले अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर दीजिए और किसी भी तरह का इस तरह का जो कंटेंट है उसे आप अपने आप को अलग रख लें, तो नेचुरली उससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी अगर ये कारण है तो। अब हम बात करें दोस्तों मेडिसिन की, तो देखिए बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी कोई तरह की नींद के लिए गोली ले रहे हैं और लंबे समय तक वो गोली ले रहे हैं, ऐसे लोग भी आते हैं और नींद की टेबलेट से जब वो लेते हैं और सुबह उठते हैं तो उसे नींद जरूर आ जाती है बट अब वो अपने आप को फ्रेश नहीं पाते, यानी रात भर सो भी गए उस टेबलेट से तो सुबह जब उठ रहे हैं तो उसमें भी फ्रेशनेस नहीं है जो एक नेचुरल नींद में होती है, आपको एक मतलब भारीपन सा रहेगा, एक वो जो एनर्जेटिक फील होना है वो नहीं रहेगा, एक सेडेशन सा आपको रहेगा, एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों इन सारी चीजों के लिए होम्योपैथी के अंदर एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है पेसी फ्लोरा इनकार्नाटा और ये एक मदर टिंचर में इसको यूज किया जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट मैं आपके साथ मेरा क्लिनिक का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि मैंने देखा कि मेरी क्लिनिक के जो पेशेंट्स होते हैं, हालांकि सबकी नीड जो सिम्टम्स है या हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंगली कुछ हम और मेडिसिन उसको दे सकते हैं, बट ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जिसको रूटीन में अगर नींद नहीं आने के लिए यूज करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इसकी हम डोज की बात करें तो इसकी जो है पेसिफ्लोरा मदर टिंचर जो इनकार्नाटा है इसका मदर टिंचर यूज करना है जैसे मैंने बताया, और इसकी नाइट में आपको कम से कम दो डोज लेनी चाहिए। और कैसे लेना है, मान लीजिए आप 10 बजे बेड में जाते हैं तो 10 बजे जब आप सोने के लिए जा रहे हो तो आप रात को एक बार 8 बजे इसकी एक डोज ले लें। लेना कैसा है, एक जो कप होता है उसके अंदर जैसा मैं बताता हूं मदर टिंचर की 30 ड्रॉप्स आप डाल दीजिए, फिर उसमें ल्यूकवार्म हल्का सा गुनगुना पानी डाल दीजिए, फिर सिप बाय सिप घोंट घोंट करके पीजिए। 30 ड्रॉप्स मदर टिंचर का लेना, थोड़ा सा इसकी डोज लार्ज जाती है और आपको इस तरह से 8 बजे एक डोज ले लेना है, फिर नेक्स्ट डोज आपको 9 बजे लेना, एक घंटे बाद आप उसको रिपीट कर लेंगे सेम वे के अंदर। 30 ड्रॉप्स आपने मदर टिंचर का लिया और उसके अंदर आपने पानी भरा और सिप बाय सिप करके आपको ले लेना है। ये कब लेना, 8 बजे 9 बजे मैंने एक स्टैंडर्ड बताया कि एक एक घंटे के गैप से ले ले, आप सोने से लगभग एक घंटे पहले दो डोज ले ले।
इसी तरह से मान लीजिए आप 11 बजे सोते हैं तो आप 9 बजे और 10 बजे दो डोज ले सकते हैं, यानी आपको इवनिंग आवर में इसकी दो डोज लेनी है। दोस्तों ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपकी जो मेंटल वरी, एंजाइटी, स्ट्रेस, अननेसेसरी थॉट्स जो आपको सोने नहीं देता उससे आपको रिलीव करता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसकी कोई हैबिट फॉर्मिंग कंडीशन नहीं होती और धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपको मानसिक शांति देगा, सुकून देगा और आपको एक अच्छी नींद भी आने लगेगी और मॉर्निंग में जब आप उठेंगे तो आप अपने आपको काफी ज्यादा फ्रेश भी पाएंगे। दोस्तों ये रूटीन मेडिसिन है जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा अगर कोई पर्टिकुलरली मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कारण है जिसके कारण अगर किसी को नींद नहीं आ रही तो उसके लिए आप अपने नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर साहब से जाके मिल सकते हैं, तो आपके लिए और भी कोई मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। क्योंकि ये मैंने आपके नॉलेज के लिए वीडियो बनाया कि होम्योपैथिक कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपको एक अच्छी साउंड स्लीप देने के अंदर हेल्प करती है, दैट्स आल्सो की विदाउट हैबिट फॉर्मिंग। जैसे मेरे आपके साथ और शेयर करूं, अक्सर मैंने देखा कि ज्यादातर लोगों को एक ग्रीफ रहता है, मतलब ज्यादातर लोग जो है कोई तरह की ऐसी घटना होगी दुखी रहते हैं, चिंता रहती है, और ये फीमेल्स के अंदर हालांकि मैं ज्यादा एक मेडिसिन को मैंने यूजफुल पाया। तो ऐसे केस के अंदर जब आपको मानसिक चिंता या कोई दुख है जो आपको नहीं सोने दे रहा, तो ऐसे के अंदर आप इग्नेशिया 200 की भी एक डोज ले सकते हैं वीकली, यानी हर संडे को इग्नेशिया 200 की एक डोज आप ले ले और साथ में पैसिफ्लोरा ले ले। तो अगर कोई दुख की बात हो गई है और उसके कारण आपको नींद नहीं आ रही तो उसके अंदर आप इग्नेशिया को ऐड करें। इसके अलावा दोस्तों कोई पर्टिकुलर आपका रीजन है, कोई सिम्टम है, कोई कारण से नहीं आ रही, तो आपके होम्योपैथिक डॉक्टर साहब आपके लिए बेटर हेल्प करेंगे। अदरवाइज रूटीन के अंदर आप एक मेडिसिन लेना चाहते हैं तो पैसिव फ्लोरा इनकार्नेट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। सोने से पहले इसकी दो डोज लेनी है, एक एक घंटे गैप से, और 30 ड्रॉप्स मिनिमम आपको लेना है एक कप पानी के साथ में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसमें कि नींद नहीं आना या स्लीपिंग पिल्स की आपको हैबिट पड़ गई है, इंसोम्निया, उसके बारे में जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमने शेयर की है, ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।